Subscribe to Shainaz Rasoi and press the bell icon for our latest videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शनाज़ रसोई। आज हम बनाने वाले हैं मटन कीमा। इसे आप किसी भी मौके पे बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे रोटी या पराठे के साथ काफ़ी पसंद किया जाता है। तो चलिए आइए सीखते हैं मटन कीमा रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। तेल के गर्म होने पर इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें डार्क ब्राउन होने तक पकाना है। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। अब प्याज का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। अब हम इसमें काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और हरी इलायची डालकर थोड़ा चला लेंगे। प्याज का रंग अब डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर थोड़ा मिला लेंगे। अब बारी आती है मटन कीमे की। हमने कीमे को पहले से ही धो के रखा है। हल्दी पाउडर और टमाटर डालकर थोड़ा मिला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। कटे हुए आलू और हरी मिर्च भी डाल दें। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें। ढक्कन हटाकर थोड़ा चला लें। अब इसमें मिक्स मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। आलू और कीमे को पकने में थोड़ा समय और लगेगा। हम फिर से इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। ढक्कन हटाकर थोड़ा चला लें और 1 कप पानी डालकर कढ़ाई को ढक दें, जिससे कि कीमा कढ़ाई में चिपके नहीं और आसानी से भी पक जाए। कीमे के पानी को सूखने तक पकाना है। अगर आप हल्की ग्रेवी चाहते हैं तो सारा पानी सूखने से पहले ही पैन को आंच से हटा दें। पानी सूखने के बाद आखिर में धनिया और पुदीने के पत्तों के साथ गार्निश करें। अगर आप इस रेसिपी को और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसमें फ्रेश क्रीम या बटर क्यूब डाल सकते हैं। ये डिश को क्रीमी टेक्सचर देगा और साथ ही स्वाद को भी बढ़ाएगा। इस तरह हमारा लजीज मटन कीमा तैयार हो चुका है। इसे आप रोटी, चावल या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट्स विद अस। Thanks for watching our videos. Please do not forget to like, share and subscribe our channel.